किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान चाहे महंगे से महंगे लिबास खरीद ले, लेकिन अपने खराब किरदार को नहीं छुपा पाता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने की राजा के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजपुरोहित थे, बहुत विद्वान थे। जब वो आते थे दरबार में, सभागार में, तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता था और तब तक खड़ा रहता था जब तक वो राजपुरोहित आकर के अपने आसन पर ना बैठ जाए, इतना उनका सम्मान करता था। एक दिन राजा के मन में एक ख्याल आया, एक सवाल आया, तो उसने पूछ लिया राजपुरोहित जी से भरे दरबार में कि आप ये बताइए कि इस दुनिया में व्यवहार बड़ा होता है, व्यवहार महत्वपूर्ण होता है या ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। राजपुरोहित को वो सवाल जो था बड़ा भारी सा लगा। उन्होंने कहा तो बड़ा प्रश्न कर लिया इन्होंने। उन्होंने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए, उत्तर मैं सोच करके बताऊंगा। तो दो तीन दिन परेशान रहे, घर पर जाते बात नहीं करते, तो पत्नी ने पूछ लिया कि क्या बात हो गई, आप बड़े परेशान से हैं। तो उन्होंने बता दिया कि राजा साहब ने एक सवाल ऐसा कर लिया जिसका उत्तर ढूंढने मुश्किल हो रही है। तो उनकी पत्नी ने राजपुरोहित जी को एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिएगा, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजपुरोहित जी की जो पकड़ थी, जो पहुँच थी, वो पूरे महल में थी। वो खजाने के पास गए और जाकर के चुपके से दो मोती चुरा लिए। खजांची जो था उसने सीन देख लिया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा राजपुरोहित जी इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं और ये चोरी कर रहे हैं, दो मोती चुरा रहे हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद हो सकता है किसी जरूरत में होंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते, सब कुछ इनका ही तो है। तो उसने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर से गए, जाकर के फिर से चुरा लिए। फिर से खजांची ने कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है, हो सकता है जरूरत। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन जब पहुंचे तो खजांची से रहा नहीं गया। उसने जाकर के राजा को बताया कि राजपुरोहित जी आ रहे हैं और चुपके चुपके यहां से मोती चुरा रहे हैं। राजा को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मंत्री से कहा जाकर के जांच बैठाइए, फटाफट पता लगाइए क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। एक दो दिन में उसकी रिपोर्ट आ गई। बता दिया मंत्री ने कि राजा साहब वाकई में ऐसा हो रहा है, राजपुरोहित रोज आ रहे हैं और आकर के मोती चुरा रहे हैं। जिस दिन राजा को बात पता चली, उसके अगले दिन जब दरबार लगा, राजपुरोहित जी आए तो राजा अपने सिंहासन से नहीं उठा। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा क्या मैं इनका सम्मान कर रहा हूं, तो चोरी कर रहे हैं। राजपुरोहित जी आए और आकर के अपने आसन पर बैठ गए। जितने दरबार में लोग थे सब ये देख रहे थे। उन्होंने लगा ये क्या हो रहा है, राजा साहब सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। और राजपुरोहित को समझ में आया कि मेरी दवाई काम कर गई। राजा साहब से हिम्मत नहीं हो पा रही थी पूछने की, लेकिन फिर भी पूछा कि एक बात बताइए राजपुरोहित जी, क्या आप चोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। राजा ने कहा आप मोती चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं चुरा रहा हूँ, ये लीजिए आपके सारे मोती। वो देने लगे राजा को। तो राजा ने कहा कि आपको जब मुझे ही देने थे तो फिर आपने चुराए क्यों। राजपुरोहित जी ने कहा कि इसलिए चुराए ताकि आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। आपने पूछा था कि व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है। आज भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कि कल था। ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन आपको मालूम चला कि मैं चोरी करता हूं, इसलिए आप मेरा सम्मान अब कम करने लगे। आज आप अपने सिंहासन से उठ खड़े नहीं हुए, आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, क्योंकि आपको मेरा आचरण मालूम चला और आप मुझसे नाराज हो गए। ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही है, वो चुराए मैंने सिर्फ इसलिए थे ताकि इस बात का पता लगा सकूं कि बड़ा कौन है। छोटी सी कहानी सिखाती यह है कि ज्ञान चाहे आप जितना इकट्ठा कर ले, अगर उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, व्यवहार में नहीं ढालते हैं, आचरण में नहीं ढालते हैं, तो किसी काम का नहीं है। जब तक आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। चाहे आप जितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, किताबें पढ़ लें, वीडियोस देख लें, आर्टिकल्स पढ़ लें, जब तक अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे सब वेस्ट है। एक बार फिर से इस बात के साथ कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओगे जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो, और एक नई सीरीज मैंने शुरू की है जिसका नाम है गीता ज्ञान, जहां श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या सीखा जा सकता है आप देख सकते हैं हर बुधवार को सुबह 9:30 बजे। और साथ में एक नया चैनल मैंने शुरू किया है आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, वहां बहुत सारी बातें मोटिवेशन के अलावा इंतजार कर रही हैं।